सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा। इस वेले की वड्डी खबर लुधियाना बंब ब्लास्ट मामले नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। लुधियाना की अदालत दे विच बंब ब्लास्ट होया सी ते इस दे विच मुख तौर दे उत्ते नामजद किया गया सी हैप्पी मलेशिया नामक व्यक्ति नूं। हैप्पी मलेशिया नूं हुण एन आई ए ने गिरफ्तार कर लिया है ते मुढ़ली जानकारी दे विच इह सामने आया है कि दिल्ली एयरपोर्ट तो इस नूं गिरफ्तार किया गया। मलेशिया तो दिल्ली आया सी जिस नूं हिरासत दे विच लै लिया गया। तां दस दईए कि बंब धमाका होया, इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई। माहौल काफ़ी दहशतनुमा हो गया सी। पुलिस लगातार लभण की कोशिश कर रही सी, सुराग जुटा रही सी ते 2021 दे इस मामले दे विच हुण वड्डी ते अहम गिरफ्तारी हुई है। हैप्पी मलेशिया नूं दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया गया। तो दस दईए कि लगातार इसे दे उत्ते ही एन आई ए जांच दे विच जुटी हुई सी कि असल दे विच जिहड़ा व्यक्ति नामजद किया गया उसनों कदों हिरासत दे विच लिया जाए। तो हुण हैप्पी मलेशिया नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट तो उसनों हिरासत दे विच लिया गया है। पुछगिछ की जाएगी तो आने वाले समय के कई होर अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जागती हुई नज़र आ रही है। तो दस दी कि 2021 लुधियाना के कोर्ट कंपलैक्स के बंब धमाका होया सी। इस दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई सी ते काफ़ी बिल्डिंग नूं भी नुकसान पहुँचा सी। इसे दे चलदियां लगातार पुलिस वालों इश्तिहार भी दिए गए ते हैप्पी मलेशिया के नाम का एन आई ए वालों इश्तिहार भी जारी किया गया सी, जिहदे विच कहा गया सी कि 10 लाख रुपये का इनाम दिता जाएगा हैप्पी मलेशिया बारे जानकारी देने वाले नूं। ते हुण इश्तिहार तो बाद हालांकि एन आई ए पूरी तरह सरगर्म सी ते हुण वड्डी कामयाबी मिल चुकी है। एन आई ए ने हैप्पी मलेशिया नूं गिरफ्तार कर लिया। तो एक बार फिर तो दस दिए कि वड्डी खबर हैप्पी मलेशिया जो भगौड़ा सीगा पुलिस की गिरफ्त तो बाहर से उसनों एन आई ए ने गिरफ़्तार किया। लुधियाना बंब धमाका मामले दे विच पुलिस नूं लोड़ींदा सीगा, हुण जांच होवेगी। आने वाला समा दसेगा कि की खुलासे हुंदे ने, होर कौन इस साजिश दे विच शामिल सन। इस वेले दी वड्डी खबर लुधियाना बंब ब्लास्ट मामले नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। लुधियाना दी अदालत दे विच बंब ब्लास्ट होया सी ते इस दे विच मुख तौर दे उत्ते नामजद किया गया सी हैप्पी मलेशिया नामक व्यक्ति नूं। हैप्पी मलेशिया नूं हुण एन आई ए ने गिरफ़्तार कर लिया है ते मुढ़ली जानकारी दे विच इह सामने आया है कि दिल्ली एयरपोर्ट तो इस नूं गिरफ़्तार किया गया। मलेशिया तो दिल्ली आया सी जिस नूं हिरासत दे विच लै लिया गया। तो दस दईए कि बंब धमाका होया, इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई। माहौल काफ़ी दहशतनुमा हो गया सी। पुलिस लगातार लभण की कोशिश कर रही सी, सुराग जुटा रही सी ते 2021 दे इस मामले दे विच हुण वड्डी ते अहम गिरफ्तारी हुई है। हैप्पी मलेशिया नूं दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ़्तार किया गया। तो दस दईए कि लगातार इसे दे उत्ते ही एन आई ए जांच दे विच जुटी हुई सी कि असल दे विच जिहड़ा व्यक्ति नामजद किया गया उसनों कदों हिरासत दे विच लिया जाए। तो हुण हैप्पी मलेशिया नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट तो उसनों हिरासत दे विच लिया गया है। पुछगिछ की जाएगी तो आने वाले समय दे विच कई होर अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जागती हुई नज़र आ रही है। तो दस दी कि 2021 दे विच लुधियाना दे कोर्ट कंपलैक्स दे विच बंब धमाका होया सी। इस दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई सी ते काफ़ी बिल्डिंग नूं भी नुकसान पहुँचा सी। इसे दे चलदियां लगातार पुलिस वालों इश्तिहार भी दिए गए ते हैप्पी मलेशिया के नाम का एन आई ए वालों इश्तिहार भी जारी किया गया सी, जिहदे विच कहा गया सी कि 10 लाख रुपये का इनाम दिता जाएगा हैप्पी मलेशिया बारे जानकारी देने वाले नूं। ते हुण इश्तिहार तो बाद हालांकि एन आई ए पूरी तरह सरगर्म सी ते हुण वड्डी कामयाबी मिल चुकी है। एन आई ए ने हैप्पी मलेशिया नूं गिरफ़्तार कर लिया। तो एक बार फिर तो दस दईए कि वड्डी खबर हैप्पी मलेशिया जो भगौड़ा सीगा पुलिस की गिरफ्त तो बाहर से उसनों एन आई ए ने गिरफ़्तार किया। लुधियाना बंब धमाका मामले दे विच पुलिस नूं लोड़ींदा सीगा, हुण जांच होवेगी। आने वाला समा दसेगा कि की खुलासे हुंदे ने, होर कौन इस साजिश दे विच शामिल सन। कैमरामैन गुरप्रीत सबरवाल दे नाल मैं धर्मिंदर संधू, जुड़े रहो डी फाइव चैनल पंजाबी दे नाल। सत श्री अकाल, मैं तुहाडा अपना धर्मिंदर संधू, खबरां दा सिरा प्रोग्राम जो तुहाडा अपना प्रोग्राम है उसनों तुसीं रोज़ाना सवेरे देखदे हो, पर इस प्रोग्राम दे विच हुण थोड़ी जी तब्दीली आई है। तब्दीली समय च आई है, भारतीय समय के मुताबिक ये प्रोग्राम हुण तुसीं सवेरे 7 बजे लाइव देख सकोगे। यानी कि भारतीय समा जो भारत में 7 बजते हैं तो उदों तुसीं ये प्रोग्राम देख सकोगे। 7 तो लैके 8 बजे तक लाइव प्रोग्राम होगा। जिस तरह रोज़ाना तुसीं अपने हरमन प्यारे प्रोग्राम के नाल जुड़ते हो, खबरों का सिरा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो, उस तरह ही 7 बजे तो लैके 8 बजे तक भी तुसीं रोज़ाना जुड़ना है। पहला ये प्रोग्राम 8:30 तो लैके 9:30 बजे तक भारतीय समय के मुताबिक प्रसारित किया जाता सी, लाइव किया जाता सी। हुण
जिस तरह के नाल बदलाव आते हैं मौसम के बदलाव आते हैं, उस तरह अमेरिका कैनेडा का टाइम भी बदल जाता है। तो वो मुताबक असी भी थोड़ा जहा बदलाव किया, भारतीय समा बदल दिता गया। भारतीय समय के मुताबक ये प्रोग्राम हुण जो तुहाडा अपना प्रोग्राम है खबरां दा सिरा, जिहदा तुसी हिस्सा हो, परिवार का हिस्सा हो डी फाइव चैनल पंजाबी दे, वो प्रोग्राम हुण तुसी सवेरे 7 बजे तो लैके 8 बजे तक लाइव देखोगे। ये कॉल भी कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो, अपने विचार साडे नाल सांझे कर सकते हो, तो अपने गली मुहल्ले हल्के इलाके का कोई भी मुद्दा साडे नाल सीधे तौर दे उत्ते सांझा कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम दे विच उसे तरह ही गुरनाम सिंह कीदा सीनियर पत्रकार ते सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों भी शिरकत करया करनगे टाइम टू टाइम, ते नाल ही मैं भी तुहाडे नाल हाजिर होया करांगा। तो रोज़ाना तुसीं हुण प्रोग्राम देखना है भारतीय समय के मुताबक सवेरे 7 तो लैके 8 बजे तक भारतीय समय मुताबक असी तुहाडे नाल रोज़ाना रूबरू होया करांगे तुहाडे अपने हरमन प्यारे प्रोग्राम खबरां दे सिरे दे विच। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी, हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।